बच्चों अभी इंग्लिश पढ़ेंगे, पेज नंबर 38, चैप्टर 27, यूजेस ऑफ इन ऑन अंडर। आज हम अपने इंग्लिश कॉपी में सेंटेंस लिखेंगे, ये वाला, द एलिफेंट इज अंडर ए ट्री। हम इतना तक लिख चुके हैं, तो आज लिखना है हमें द एलिफेंट इज अंडर ए ट्री। तो वो पिक्चर देखो, यहाँ पे एक ट्री है, ट्री के नीचे एक एलिफेंट खड़ा है, एक हाथी। द एलिफेंट इज अंडर ए ट्री, ये हाथी इसके नीचे खड़ा है, ट्री के नीचे। यहाँ पे यू एन डी आर अंडर यूज हुआ है। द एलिफेंट इज अंडर ए ट्री, टी एच ई, द ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट आई एस इज, यू एन डी आर ई अंडर ए टी आर ई ट्री, द एलिफेंट इज अंडर ए ट्री। पहले एक बार रीडिंग करेंगे। द बैग इज ऑन द टेबल, द किटन इज इन द बास्केट, द पॉट इज अंडर द टेबल, द बॉयज आर अंडर एन अम्ब्रेला, द बर्ड इज इन द नेस्ट, द मंकीज आर ऑन द ट्री, द एलिफेंट इज अंडर ए ट्री, द मिल्क इज इन द वॉटर, द कैट इज ऑन द मैट। तो चलो अभी हम अपने इंग्लिश कॉपी में ये सेंटेंस लिखेंगे। ऐसे ही आपको आपके इंग्लिश कॉपी में ये सेंटेंस लिखना है। टी एच ई द ई एल ई पी एच ए एन टी एलिफेंट आई एस इज यू एन डी ई आर अंडर ए टी आर ई ट्री, द एलिफेंट इज अंडर ए ट्री। T H E D E L E P H A N T elephant I S H U N D E R under A T R E E tree. The elephant is under a tree. T H E D E L E P H A N T elephant I S H U N D E R under A T R E tree, the elephant is under a tree. तो बच्चों आज आपको इंग्लिश कॉपी में ये सेंटेंस लिखना है अच्छे से बोल बोल के। The elephant is under a tree. 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 अच्छे से लिखना भूल भूल के।